वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो इस वेले साडे विचकार श्रीमान संत बाबा जसविंदर सिंह जी, पिंड वालियांवाली जिला बठिंडा तो साडे विचकार पहुँच चुके हैं, जो कि संगतां नूं गुरबाणी गुर इतिहास सरवण कराउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहे गुरु, डंडौत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। असी खत्ते बहुत कमावंदे किसे अंत ना पारा वार, हर कृपा कर कै बख्श ले हो, हौं पापी वड गुण है गार। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, शरणागत आए हां, सतगुर जी रखे ओ लाज हमारी। शरणागत आए हां, सतगुर जी रखे ओ लाज हमारी। शरणागत आए हां, सतगुरु जी रखियो लाज हमारी। शरणागत आए हां, सतगुरु जी रखियो लाज हमारी। शरणागत आए हां, सतगुरु जी रखियो लाज हमारी। रखियो लाज हमारी, 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 रखियो लाज हमारी। शरणागत आए हां, सतगुरु जी 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 रखियो लाज हमारी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। 2 मिनट वास्ते सारी संगत जपो जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जा का मीत साजन है समिया वाहे गुरु वाहे गुरु। जिस जन को कहो काकी कमियां या की प्रीत गोविंद स्योला की दुख दर्द प्रमता का भागी या को रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो या का कहे आदर कह चले सो किस को नदर ले आवे तले या का सब किस ताका होए नानक ताको सदा सुख होए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हाँ सम्मल थकी जी ओ कदे न बोले कौरा कौरा बोल न जाने पूरन भगवान औगण को नाच तारे पतत पावन हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने काले जेड़ा दर सतगुर से आया जेड़ा दर सतगुर से आया कोई भी खाली मुड़िया नी जेड़ा दर सतगुर से आया कोई भी खाली मुड़िया नी सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर से आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर से आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर से आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर से आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं सगल द्वार को शाट कै गयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अख गोविंद नाथ तुहार परम सम्मान योग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हो आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए प्यार सत्कार और श्रद्धा दे नाल सब माई भाई दोवें हाथ जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीह चुका के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह दी कृपा नाल
धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी विच नगर माजरी जिला रूपनगर जिन्हों पहला रोपड़ कहा जाता सी इत्थे आपां नूं गुरु महाराज के दर्शन करन दा और सत्संग करन दा सुभागा समा प्राप्त होया है। गुरबाणी का फरमान है, मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया, गुरप्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया। महाराज कहिंदे ने किहे भाई सतसंगी जनों जेड़े जेड़े भी गुरु महाराज के दर ते आ के सत्संग विच हाजरी भरदे है और महापुरखां दे गुरुआं दे साधु संतां दे ज्ञानियां प्रचारकां दे बचनां नूं सुन के उन्हां नूं मन्नण भला जरूर हुंदा है। गुरमुख सुन के समझना भी हुंदा है, जिमें भाई गुरदास जी ने अपनियां वारां विच सतसंगियां नूं गुरसिखां नूं परमहंस दे बराबर तुलना कीती। वो कहिंदे ने कि जिहड़ा परमहंस हुंदा है ना उहदी चुंज विच कुदरत ने खटास पाई होई, दुध दा बाटा भर के गड़बा भर के उहदे कोल धर दीए, जदों ही उह चुंज दुध दे विच पाऊगा ते दुध फट जांदा है। गुरमुख वो फिर पानी पानी छड़ दिंदा है ते दुध दियां फुटियां छक लैंदा। गुरु इसे तरह आपां नूं भी समझना पैना है, जिहड़ियां चंगियां गल्लां गुरमुखो उहनूं सुन के मनना है ते जे कोई सुनाउण वाला गुरमत तों बाहरी गल करे साढ़े विच फुट पाउण वाली गल करे सानू तोड़न वाली गल करे उहनूं आपां जिवें परमहंस पाणी छड्ड दिंदा एदां माड़ी गल नूं छड्डणा है। आखो सतनाम। गुरु महाराज कहिंदे ने ना, सांझ करीजै गुण है केरी छोड़ अवगुण चली है। कहिंदे भाई गुणां दी तां कर लिया कर सांझ ते अवगुणां नूं छड्ड दिया कर, पर हुण कम उल्ट होया। गुरमुख माड़ी गल सुन के जिन्ना चिर दस नूं दस ना देईए साढ़े रोटी हजम नहीं होंदी, निंदिया चुगली होवे मसाले ला के गल कीती होवे उहनूं ज्यादा सुणदे आपां ते जिहड़ी चंगी गल है उहनूं घट दसीदा। कोशिश करिया करो चंगी गल लगे दसिया करो गुरमुख। हाँ जे कोई घाट नज़र आवे उन्हों सुधारो जरूर, बैठ के विचार कर लेनी चाहिए, फिर सत्संग करन दा फायदा है। गुरु ते वड्डे महापुरख तो यह भी कहिंदे हुंदे, कहिंदे जे गुरु दे बचन सुन भी ले ते चलिया अपने मन दे मुताबक फिर कोई फायदा नहीं सत्संग करन दा। आखो सतनाम। की फायदा सत्संग करने दा, की फायदा सत्संग करने दा, सत्संग करने दा, की फायदा सत्संग करने दा, की फायदा सत्संग करने दा, की फायदा सत्संग करने दा, ये करनी मन दी मर्जी, की फायदा सत्संग करने दा, की फायदा सत्संग करने दा, ये करनी मन दी मर्जी, की फायदा सत्संग करने दा, की फायदा सत्संग करने दा, ये करनी
करनी मन दी मर्जी की फायदा सतसंग करने दा की फायदा सतसंग करने दा जे करनी मन दी मर्जी की फायदा सतसंग करने दा की फायदा सतसंग करने दा करनी मन दी मर्जी की फायदा सतसंग करने दा की फायदा सतसंग करने दा जे करनी मन दी मर्जी की फायदा सतसंग करने दा की फायदा सतसंग करने दा पातशाह कहंदे सत्संग करन दा कोई फायदा नहीं जे मन दी मर्जी करनी है। मन बहुत कुछ सोचता है, कई तरह के ख्याल अपने मन च आउंदे आ गुरमुख, ते आपां नूं चाहीदा है विचारां नूं समझिए भी की साडे गुरु साहब भी यह दसदे, फिर अगे चलना है। जे तां चलांगे गुरु महाराज के मुताबिक फिर तां भाई साडा संसार ते आउणा भी सफल, साड़ी कदर भी पै जूगी प्यारे हो। ते जे गुरमत अनुसार गुरु की सिक्ख्या अनुसार ना चले फिर कदर नहीं पैनी। आखो सतनाम सच्चे पातशाह की समझाउंदे आ भला, लो सुनो। संगरूर दे नेड़े ना एक जगह है, हुण तां गुरद्वारा साहब बनिया, उहनूं कहिंदे आ नानकियाणा साहिब। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਰੁਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਡਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੰਭਾਲੇ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਰਿਸ਼ਕੀ, ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਡਰ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਢੂਈਆਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗੰਦਾ ਗਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਲਯੁੱਗ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਜੋ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਲਦੀਆਂ ਝੱਲਣ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਯੁੱਗ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਖ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਇਆ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਯੁੱਗ ਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਮੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਚੱਲੂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਸੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁੱਗ ਤੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਲਈ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਟੀ ਹੈ,
मोहरे निकले पे है ते सानू हीरे मोती देन दी गल करदा है। कलयुग कहिंदा ए वी तेरे इस गुरु बाबे दा ही जप पाया होया है। जदों हुंदा है ना भजन सिमरन दा समा अमृत वेले दा उदों मैं संसारी जीवां दे उत्ते नींद दी आलस दी सुस्ती दी चादर पा दिंदा कहिंदा। पर कुछ कु पक्के गुरमुख ने जेड़े सुस्ती आलस दी चादर नूं भी पाड़ के उठ खड़दे आ, उठ के सिमरन विच लग जांदे आ, उन्हां करके नींद दी सुस्ती दी आलस दी चादर मेरी पाटी है। हुण अपने मनां च झाती मार लिओ। कई बारी किसे चंगे महापुरख दी संगत करके अपना भी मन करदा हुंदा भी रोज उठिए, नितनेम करिए, भजन सिमरन करिए। कई बारी तां आपदे नाल भी होया, अलार्म भी ला लईदा पर उठना औखा, अलार्म ही बंद करके सौ जाने आ। गुरु चलो जी उठ भी खड़ीए फिर नहाउण नूं जी नहीं करदा। गुरु कई नहा भी लैंदे आ फिर भी गुरमुखो भजन नहीं कर सकते, फिर पै जांदे भी नींद आ गई बहिंदे बहिंदे। कई पक्के हुंदे आ, मीह जावे बा जावे, झखड़ झुले, गर्मी है सर्दी है, वह महाराज का कोशिश करते हैं गुरु घर जाके दर्शन भी करन, ते नहीं तो घर च बैठ के नितनेम करना ही करना। आखो सतनाम वो होंगे पक्के रत्ते सही, जे मुख ना मुड़न वह दुख सुख नहीं देखते, वह तो करते ही रेंदे है सेवा सिमरन गुरु। ओह जी लोड़ है हुण ते कलयुग मरदाने नूं कहिंदा ये चादर ताही पाटी है। कुछ गुरमुख पक्के ने जेड़े उठ के भजन करन लग ही जांदे आ। ते गुरु नानक पातशाह नेत्र खोले, देखिया कलयुग ने एक हथ नाल जीव फड़ी हुई अपनी, दूजे हथ नाल इंद्री फड़ी हुई। गुरु नानक साहब नूं कहिंदा मेरे समय च तां आ दो ही चीज है बस, जां तां बंदा विशे विकारां च फस जांदा है तां जवान करके मारिया जांदा है। कई खाण पीण जोगे रह गए, कईयां दी ऊं जवान बस च नहीं रही, गलत बोलदे आ ते मारां ही पैंदियां। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ते गुरु नानक पातशाह नूं कहिंदा कलयुग कहिंदा आ दो चीजां करके मैं दुनिया नूं तबाह करूंगा। महाराज कहिंदे कलयुग याद रखी तैं अपना जोर लाउणा है, असीं अपना जोर लाउणा है। जेड़े इंद्री और जीव ते काबू रख लैणगे उन्हां ते तेरा कोई असर नहीं होगा, ओ जिउंदे ही सचखंड दे मालक होणगे। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। सो कथा आप जी ने सुन ली, हुण इहते आपां अमल भी करना है। गुरु सब तो पहला तो जो कुछ भी मूहों बोली देना, कहिंदे है ना सियाने पहला तोलो फिर बोलो, सोच समझ के बोलो। पर जे कोई बोलदिया बोलदिया भुल चुक हो भी जावे तां उसकी जदे ही खिमा मंग के अगे नूं चंगे कर्म करन वाले पासे तुरना है। आपां गुरु भुल्लां चुक्कां हुंदियां रहिंदियां जिंदगी दे विच। ते कलयुग दा मिलाप गुरु नानक पातशाह नाल होया। गुरु नानक साहब कहिंदे कलयुग हुण फिर करिए की, तू कहना भी सेवा सिमरन बंद कर दो, असीं सब नूं कहने आ भी वध तो वध सेवा सिमरन करो, हुण हल की होवे? कहिंदा जी तुसीं बंद करो। महाराज कहिंदे सेवा सिमरन तां चलदा ही रहूगा, जिथे भजन सिमरन होऊगा उथो कलयुग तैं आप ही पासे रहना है। आखो सतनाम। फिर उत्थे होर भी विचारां होईयां, कहिंदा सतयुग विच समा इह जा सी, इक बंदा कर्म करदा सी सारा नगर उहदा फल भोगदा सी, चाहे चंगा करदा चाहे माड़ा करदा। फिर त्रेता युग आया, इक बंदा चंगा माड़ा कर्म करदा सी उहदी पूरी कुल फल भोगदी सी। ते फिर द्वापर युग आया, एक बंदा कर्म करदा सी उहदा फल परिवार भोगदा सी। पर कलयुग कहिंदा हुण मेरा समय इहदे विच जिहड़ा बंदा जो कर्म करू उहदा फल भी उसे नूं ही भोगना पैणा है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। हुण कलयुग दा तां इस गल ते जोर लगे, पर गुरु नानक ने जोर इस गल ते लाया
हुण बचन पढ़ते हैं ना आप कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपी है लाए ध्याना आप तरह सगले कुल तारे हर दर्ग है पत स्यों जाए। महाराज कहिंदे जे रब दी उस्तत करोंगे परमेश्वर दे गुण गाओगे आप तां तारी जाणै ते अपनियां सारियां कुलां वी तार लोंगे। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ये बचन होए वे है दो बारी मिलिया गुरु नानक नूं कलयुग, एक तां नानकियाणा साहिब गुरु ते एक जदों मेरे सतगुर इधर पंडियां नूं जाके मिले जिथे आरती उचारी है महाराज ने उस जगह भी कल जो गुरु नानक जी नूं मिलिया सी उधर भी जगह बनी हुई है। पर ज्यादातर प्रचारक जां इतिहासकार ने जेड़े वो नानकियाणा साहब दा ही जिक्र करदे आ गुरमुख प्यारियो। सो आपां कलयुग दे मगर नहीं तुरना, गुरुआं दे मगर तुरना है भाई, वध तो वध सेवा सिमरन करना है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। जेड़े जेड़े सेवा सिमरन करनगे उन्हां दा नाम भी रहूगा, पूजा भी होगी, सत्कार हुंदा, सचखंड दे वासी बनदे है। ते कुछ वह भी हुंदे है जेड़े रब दियां दित्तियां दातां नूं तां लै लै के वरती जांदे है, परमात्मा दा सिमरन नहीं करदे। गुरमुख समो नाम जपण वालियां दा भजन करन वालियां दा विरोध करदे, उन्हां दा हाल की हुंदा है? गुरु महाराज ने तां साफ कहता गुरमुख कहिंदे ओह मर के गंदगी दे कीड़े बनदे आ। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। देखो परमात्मा ने सुवास जिन्ने लिखते उन्ने आउणे ही आउणे। गुरमुख जेड़ा कोई उन्हें लखर लिखता कोई पिछला कर्म चंगा कीता उहदे करके सुख भी मिलता है, ते कई बारी जदों सानू सहूलतां मिल जांदियां सुख मिल जांदे है असीं भुल जांदे आ परमात्मा नूं, उदों फिर गड़बड़ हो जांदी है। गुरमुख एक बारी रामचंद्र जी महाराज सभा ला के बैठे गुरमुख, उथे विश्वामित्र जी ते होर भी कई संगी साथी बैठे है। श्री रामचंद्र जी दे दर्शन करन संगत भी आई हुई, सभा लगी ते श्री रामचंद्र जी दे गुरु वशिष्ठ जी भी बैठे है। गुरु कोई बचन बिलास परमात्मा बारे भगवान बारे चली जांदा सी ते ज्यादातर रामचंद्र सी ना जेड़े वो खामोश रहिंदे हुंदे। गुरु उन्हां दी जिंदगी च बहुती हासी जां खुशी नहीं सी, ज्यादातर बरागवान उदास जां चेहरा रखण ते अज सभा विच बैठे बैठे उच्ची उच्ची हस पे। गुरु जदों हसे सारे हैरान हो गए भी पहली बार रामचंद्र जी नूं हसदा देखे, ते वशिष्ठ जी ने पुछ ही लिया गुरु को, ये श्री रामचंद्र जी का गुरु सी वशिष्ठ, कहना भगवान जी ये दसो सारी सभा बैठी है वो भी विद्वाना दी ते बचन चलदा सी परमात्मा दा ते तुसी सभा च हसे इहदा की कारण है? ते श्री रामचंद्र जी कहिंदे कहिंदे मेरा वैसे ही हासा निकल गया। वो कहिंदे राजे होमो 14 कला संपूर्ण होमो, असीं आप जी नूं भगवान मन्नदे आं ते विद्वानां दी सभा च बैठ के तुहाडे वर्गे दा हसणा इह कोई आम गल तां है नहीं, कारण दसो की? ते जदों वशिष्ठ जी ने कहा श्री रामचंद्र जी कहिंदे तुसीं मेरे गुरु हो, चलो मैं दस दिन्ना क्योंकि गुरु दा वचन मनना चाहिए। कहिंदे आ वेखो जिस आसन ते मैं बैठा ना हुण आ कीड़ा है इहदियां पिछलियां लत्तां टुटियां होईयां। कहिंदे पर इह वारी वारी आसन ते चढ़न की कोशिश कर रहा, चढ़न की कोशिश करदा उपर आउंदा फिर डिग जांदा, उपर आउंदा फिर डिग जांदा। वशिष्ठ जी कहिंदे जी इह तां हाँ ठीक है कीड़ा कोशिश करदा पर इहदे विच हसण वाली तां कोई गल नहीं, इह तां इहदी मजबूरी है वी इहदियां लत्तां टुटियां। किसी मजबूर नूं गरीब नूं डिगे नूं देख के हसना यह तो माड़ी गल है, पर जे तुसी हसे हो इहदा कोई कारण होर होगा, सानू समझाओ। तो उस वेले फिर रामचंद्र जी ने कहा सी कहिंदे गुरु वशिष्ठ जी ये जेड़ा हुण कीड़े दी जून च पिया होया है
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਫਲ ਕਰਕੇ 14 ਵਾਰੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੰਦਰ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 14 ਵਾਰ ਇੰਦਰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੀੜੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਆਸਣ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਖੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰੀ। ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿੰਗੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਗ੍ਰਹਿ ਰਚਨਾ ਅਪਾਰੰ ਮਾਨੋ ਬਿਲਾਸ ਸਵਾਦੰ ਰਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 707 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹ ਵਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਚਨਾ ਅਪਾਰੰ, ਵਧੀਆ ਮਹਿਲ ਮਕਾਨ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਸਵਾਦੰ ਰਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਵਾ, ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਵਾਦ ਮਾਣ। ਕਦਾਚ ਨਹਿ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜੰਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕ੍ਰਿਮ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਨਹਿ ਸਿਮਰੰਤ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜੰਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕ੍ਰਿਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਜੂਨੀ ਪਏਗਾ, ਕੀੜੇ ਕੀੜੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੀੜਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ਮ, ਕੀੜਾ ਅਨਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਵੀ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਚ ਅਡੰਬਰ ਹੱਬ ਕਿਹੋ ਮੰਜ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀ ਚੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਚ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਬੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾ ਲੈ। ਸੋ ਸਾਈਂ ਜੈ ਵਿਸਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਨ ਖੇ। ਆ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਬਾਰ, ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਤਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ,
उन्हां नूं कां कुत्ते खा जांदे आ गुरु, वह भी है कर्म का फल। कोई भागां वाले गुरमुख हुंदे आ जिन्हां दा परिवार रल के संस्कार कर दे, पाठ करा के अरदास करावे, ये किसे किसे दे हिस्से आउंदा गुरमुख। कई तो घरों चले गए, परिवार नूं पता ही नहीं भी मर गया जा हैगा, उहदा की अरदास कराउण गुरमुख। ये कर्मां दा ही फल है। ते कईआं नूं धरती च दब दिता जांदा है। आखिरकार महाराज कहिंदे शरीर ने राख दी ढेरी होना ही होना, पर मौत तो पहला पहला जेड़े कर्म करेगा ना, मर्जी तेरी है, चंगे कर लै भावें माड़े कर लै, इन्हां कर्मां दा फल तैनू मिलना है, और इन्हां कर्मां करके तैनू संसार ने याद करना है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। संसारी जीव कुछ ओने जेड़े कर्म फल भोगण आउंदे आ गुरु, ते कुछ धर्मी पुरश हुंदे आ जिन्हां दी अपनी मर्जी हुंदी है। जिवें गुरु तेग बहादुर जी, आनंदपुर साहब नेड़े ही है ना, गुरु तेग बहादुर जी ने वसाया। हुण मौत तां इन्हां नूं भी आई है, दिल्ली औरंगजेब दे हुक्म नाल जलाद ने चांदनी चौक च बिठा के धड़ नालों सीस वख करता। मौत तां आई, पर औरंगजेब की की ताकत सी गुरु जी नूं शहीद कर दिंदा। तेग दी तलवार दी की ताकत सी उहनां दी धौण कट दिंदी, वह तो गई अपनी मर्जी नाल सी गुरु। तुहानूं पता है ना, सुनते रहने इतिहास, जदों कश्मीरी पंडित आए आनंदपुर साहब, उन्होंने बेनती की सी महाराज साडा धर्म खतरे च है, ते तुरन वेले गुरु जी ने की कहा सी भला गोबिंद राय जी नूं ते माता गुजर कौर जी नूं, कहिंदे सी हुण इन्हां दा धर्म बचाउण वास्ते जाणा है, ये धर्म सिर दित्तिआं बिना बचना नहीं, इहदा मतलब गई ये इच्छा लैके। तत्ती तवी दी की ताकत सी गुरु अर्जन देव जी दा शरीर नूं दुख दे दिंदे, वह तो होना सी सब कुछ। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरमुख प्यारिओ, ओ संसार दे भले वास्ते अपनी मर्जी नाल कर्म करदे आ गुरमुख जन जिहड़े हुंदे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज, गुरु के चारे साहिबजादे, वह तो गुरुआं दी इच्छा सी। जुझार सिंह नूं आप तोरिया सी गुरु गोबिंद सिंह ने, गुरु उन्होंने संसार दे भले वास्ते अपना जीवन लेखे लाता, ते अज उन्हां नूं थां पर थां ते मत्थे टेकदे आ। जिथे जिथे चरण पा गए ओ थामां पूजन योग हो गईआं प्यारिओ। ओह धरती तन तन करदी है, धरती तन तन करदी है, धरती तन तन करदी है, ओह 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 धरती तन तन करदी है, धरती तन तन करदी है, धरती तन तन करदी है, ओह धरती तन तन करदी है, ओह धरती तन तन करदी है, ओह धरती तन तन करदी है, जिथे चरण गुरां ने पाए जी ओ धरती तन तन करदी है, धरती तन तन करदी है, चरण गुरां ने पाए जी ओ धरती तन तन करदी है, ओह धरती तन तन करदी है, जिथे चरण गुरां ने पाए जी ओह धरती तन तन करदी है, ओह धरती तन तन करदी है, जिथे सतपुरखां दे गुरुआं दे सिंघां शहीदां महापुरखां दे चरण पै गए ओ धरती धन धन करदी है, ते थावां पूजन योग। इसे करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई परमेश्वर दा भजन करिया कर, मालक दा नाम जपिया कर वध तो वध, जे तैनू परमात्मा भुल गया फिर तेरी देही दी कदर नहीं पैणी, जे तैनू रब याद है फिर तेरी कदर पै जावेगी। अगे महाराज होर वचन दसदे हन। पौड़ी सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगण पूरे, कहिंदे सुंदर होवे सेज भाव चंगे बैड चंगे पलंग लगे होण, अनेक तरह दे सुख होण, ते सारे रस बंदा माणदा होगा। इन्ना कुछ होंदिया होया महाराज होर भी दसदे ने।
ग्रह सोएन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। ग्रह सोएन कहंदे घर भी तेरा सोने दा क्यों ना हो, इन्ना अमीर हो जाए ते उत्तो सुगंधी वास्ते चंदन अत्र फलेल छिड़के होन ते पलंगां दे उत्ते घर दे दरवाजियां दे उत्ते हीरे मोती भी लाए होन। महाराज इन्ने सुख तेरे कोल होन, मन इच्छे सुख मानदा केश नाहे वे सूरे। कहंदे जो तेरे मन चावे ओ तू करदा होवे, किसे दा तैनू डर ना होवे, किसे दी रोक टोक ना हो, इन्ना कुछ भी होवे तेरे कोल। सो प्रभ चेतना आवई विष्टा के कीरे। इन्ना कुछ होण दे बावजूद महाराज कहंदे जे तैनू रब भुल गया ना, तू प्रभु नू चेते ना कीता, परमात्मा दा सिमरन ना कीता, फिर सतगुर कहंदे याद रखी मर के विष्टा दा कीड़ा बनेगा आखो सतनाम। श्री वाहे गुरु। इंद्र दी कथा तुसी सुनी ली 14 बारी, इंद्र बनिया ते मर के विष्टा दा कीड़ा बनिया, आ है गुरु महाराज दा फैसला। अगे पातशाह फिर होर भी बचन कहंदे हन। बिन हर नाम ना शांत होए केत बिद मन तीरे। कहंदे प्रभु दे नाम तो बिना शांति नहीं आउंदी, बिन हर नाम ना शांत हो। आपां सारे चाहुंदे आ ना भी सानू शांति आ जाए, देश छड के विदेशां तक भी जाने आ, विदेशां वाले कहंदे असीं मंगल ग्रह तक पहुंचना, शांति नहीं आई गुरमुख। ये कहंदे वाहिगुरु दे नाम तो बिना शांति नहीं आउणी, बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन धीरे। जिहड़ा मन है ये भटकदा है, मैनू आ भी चाहीदा आ भी चाहीदा, भज्जिया फिरदा मन। कहंदे केड़ा ओ तरीका है, केड़ी ओह विधि है जिहदे नाल मन शांत हो जाए। लो हुण तुहानू विधि दसण लगा गुरमुखो, ये गुरु महाराज दा ही फैसला है। आपां कहिंदे आ ना सेई प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता आवे। हे वाहिगुरु ओहे जे गुरमुखां दा मेल करवाई जिन्हां दे मिलण करके आप जी दा नाम चित आवे। ते सब तो सौखा तरीका है सतसंग गुरमुख, जदों सतसंग करांगे ओहे जा सानू रंग चढ़दा। इस करके सब तो पहली बेनती ये है कि मनमुखां तो पासा करो गुरु, संगत बदलो आपणी, क्योंकि संगत दी रंगत चढ़दी है। ते गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे ने, कहिंदे डिठा सब संसार सुख ना नाम, सारा संसार ढूंढ के वेख्या है नाम तो बिना किसे नू शांति नहीं आई गुरमुख। ते जिहदे पल्ले नाम है, हुण गुरु अर्जन देव जी दे ही सुन रहे सी, तत्ती तवी ते बैठे फिर भी मन नहीं भटकिया, ना किसे नू कोई मंदा बचन बोलिया, ना किसे नू श्राप दिता है, ते तवी ते बह के पता की कहंदे आ, तेरा किया मीठा लागे गुर मेरा संग सदा है लाला। कहंदे इत्थे भी गुरु अंग संग है ते अपने ते थोड़ा जा दुख आ जाए कहने रब साडा दुश्मन ही बन गया गुरु, ऐदा नहीं है। जदों सतगुर दया करनगे फिर हर रंग दुनिया दा माणांगे, ते उत्थे भी परमात्मा अंग संग समझना आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। ये नहीं भी सुख वेले तो मैं आ कीता ते दुख वेले कहने रब साडा दुश्मन बन गया, ऐदा नहीं भाई। शांति नाम तो बिना ना आवे, बिन हर नाम ना शांत होए कित विद मन धीरे, ते चित नू धीरज नहीं आउणा गुरु। शांति नाम तो बिना ना आवे, धीरज ना आवे चित नू। शांति नाम तो बिना ना आवे, धीरज ना आवे चित नू। शांति नाम तो बिना ना आवे, धीरज ना आवे चित नू। शांति नाम तो बिना ना आवे, धीरज ना आवे चित नू। शांति नाम तो बिना ना आवे, धीरज ना आवे चित नू। शांति
ਕਿਛ ਨਾ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਧੀਰਜ ਨਾ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਿਓ ਧੀਰਜ ਨਾ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਿਓ ਧੀਰਜ ਨਾ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਿਓ ਧੀਰਜ ਨਾ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਧੀਰਜ ਨਾ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਧੀਰਜ ਨਾ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਧੀਰਜ ਨਾ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਫੜ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਮਾਰੇ। ਲਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚਲੇ। ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਬਈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਸ਼ੀਨਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਤਿਨਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਵੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ। ਆ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਥਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕੱਲਾ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੋਲੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਲਿਓ,
ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸੀ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਸਰਹਾਲੀ ਨਗਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਹਾਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਹਾਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਰਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਈ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਚੱਲੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਜੋ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਨਾਨੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੁੱਤ ਹੋ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਤਾ, ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੀ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਉਲਟ ਗਿਆ ਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਾ ਨੂੰਹ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰ ਲਾ ਦੇ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਸੱਸ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਧੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਆਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਉਲਟ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਾ ਨੂੰਹ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਧੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮੰਗਿਆ ਨੂੰਹ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੇਤਾ ਜਾ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਈ ਚੋਰੀ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੋਰ, ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣੂ, ਕਦੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਨਕੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਰਹਾਲੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਨਗਰ 'ਚ ਚੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਖੋਲ ਕੇ 15-20 ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਯਾਦ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੱਝਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪੈੜ ਦਬਦੇ ਦਬਦੇ ਮੰਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕੋਲੇ ਛੱਪੜ ਸੀਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਛੱਪੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੱਚੀ ਛੱਪੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਪੈੜ ਦਬਦੇ ਦਬਦੇ ਮੇਰੇ ਮੰਗਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੱਝਾਂ ਤਾਂ ਵਾੜਤੀਆਂ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰੋ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੈਂ ਆ ਚੋਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਬਹੁਤ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਮ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਬ ਕੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਚੋਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ,
चोर साढ़े डेरे आ गया, कहिंदा जी मैं आम चोरी नहीं करदा, अमीरां तो लुट के गरीबां च वंडदा। महापुरश कहिंदे है तां चोरी ना, चाहे अमीर दी चाहे गरीब दी, चोरी तां चोरी है। कहिंदा जी हुण जो भी है किरपा करो मैनू बचाओ, मैं आप जी दी शरण आया। ते बाबा अदली जी उन्होंने की किया, तरस आ गया, दया आ गई गुरमुखो। असल विच ना संत साधु महात्मा उही है जिहड़ा वितकराना समझे। आपां भी अरदास च कहने आ ना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। भला जदों करना है फिर चोरां ठग्गां निंदकां दा भी करना है। आखो सतनाम, ये नहीं भी चंगियां दा ही भला कर लै, कोई माड़े नाल भी वाह पै गया कोशिश करो उहनू भी सुधारिया जावे, भला कीता गुरु। हुण बाबा अदली जी कहिंदे बीधी चंद आ फट माला बह जा छेती कर। कहिंदा ठीक है जी, कोई मंत्र दे दो। बाबा अदली जी कहिंदे हुण केड़ा टाइम है तैनू मंत्र याद कराउण दा, आ पिंड वाले आ गए, मैनू लगदा रौला पैंदा नेड़े आ गए, जे जान बचाउणी है हुण मंत्रां वल ना देख। मैं सेवक हाँ गुरु अर्जन दे महाराज का, ना ही तेनू एडी छेती मंत्र याद आना, तू धन गुरु अर्जन देव, धन गुरु अर्जन देव जपी चल। आखो सतना, थानू पता है गुरमुखो बाणी च भी लिखे, जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्व ना आयो। कहिंदे गुरु अर्जन दे महाराज का नाम भी जिन्हां ने एक बारी लै लिया ना, आम दुनिया की तां गल छड्डो, ना तो जामो दे नेड़े आउण ते ना ही ओह बिंगियां टेढ़ियां जूनां च पवे। आखो सतनाम, वाहेगुरु। जिहड़ी अरदास है ना ये आप भी याद करो, अपने बच्चियां नूं भी याद कराया करो। जदों अरदास विच कहिंदे आ ना, प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लईं ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है होई सहाए, अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरी है घर नौ निध आवै ताए, सब थाई होए सहाए। नाले ता गुरुआं दे नाम याद आ जांदे, नाले अरदास हो जांदी है। आखो सतनाम, हुण ख्याल करना। बाबा अदली जी कहिंदे बिधी चंदा धन गुरु अर्जन देव, धन गुरु अर्जन देव जपी चल। जपन लग गए, चौकड़ा ला लिया, उत्ते लै लिया कपड़ा, हाथ च फड़ी माला। हुण इन्हें कहड़ा जपी सी किते, तेज तेज चलावे गुरु। उधरों जिन्हां दियां मझां खोल के लियांदियां सी ओह आ गए, आके कहिंदे बाबा अदली जी महापुरशो, वो कहिंदे हां जी। कहिंदे थोड़े डेरे च साडा चोर आया। हुण बाबा अदली जी महापुरश सी, उह कहिड़ा झूठ बोलदे सी, ना ही चंगा सी झूठ बोलना। वो कहिंदे अच्छा साडे डेरे च आया, लभ लो भाई, आ एक संत जी तां हैगे पछाण लो, किते इह तां नहीं। ते बाबे अदली नूं जदों इह मूहों बचन निकले ना बाबा अदली जी दे, बिधी चंद नूं अंदरों तां लगे डर भी, लैने तां सिद्धे ही कहता भी इहनूं पछाण लो, अज मरवाऊगा साध कहना। पर बाबा अदली जी कहिंदे पछाण लो, वो जिहड़े पिंड वाले आए सी वो कहिंदे जी इह तां चोर साडा, इह चोर नहीं, इह तां कोई तकड़े संत लगदे आ। क्योंकि जदों बाबा जी ने कहा सी ना भी पछाण लो, इह उदों भी तेज तेज माला चलावे, धन गुरु अर्जन देव, धन गुरु अर्जन देव जपे। ते गुरमुख प्यारिओ वो जिहड़े पिंड वाले आए सी वो कहिंदे किते संत होर ही ना सराप दे देण, ये तो भजन कर दिया कोई साधु है। महाराज असी चोर पुछे, बाबा जी कहते फिर लभ लो, हुण जे चोर कोई होवे तां मिले उत्थे, होर कोई है ही नहीं सी। वो कहिंदे जी इत्थे चोर तां नहीं साडा हैगा। ते बाबा अदली जी कहिंदे फिर तुसी आए क्यों? कहिंदे जी असी मझां दी पैड़ दबदे आए आ, मझां थोड़ी आ छपड़ी च फिरदियां। बाबा अदली जी कहिंदे फिर आए करो, चलो जे चोर नहीं लभिया मझां तां लै जाओ, आपदियां पछाण लो। ते जदों उन्होंने जाके मझां देखियां ना, एहे जी खेड वापरी जेड़ी तां रंग दी काली सी ओह भूरी होई वी गुरु, ते जेड़ी भूरे रंग दी सी ओह काली होई। सिंगां दे वी हुलिए बदल गए, चंगी तरह वेखियां चानण कर कर,
पर पछाण ना सके। बाबा जी नू कहंदे जी ये मज्जां साडियां नहीं हैगियां, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। बाबा अदली जी कहंदे चल कोई गल नहीं, जे थोड़ियां नहीं है तां भी लै जो, कोई नहीं लै जो, मज्जां देतियां वापस। पर मैं गल बाबा विधि चंद जी दी करदा, विधि चंद जदों बच गए ना वो पिंड वाले चले गए, ते बाबा अदली जी दे चरणी डिग पे, कहंदे धन महापुरखो तुसीं थोड़े करके मेरी जान बच गई। पर कहना मैं एक गलों हैरान हाँ भी मज्जां दे रंग बदल गए। बाबा अदली जी कहंदे तां सिमरन दी ताकत आ, गुरु ने अपनी लाज रख ली। बाबा विधि चंद जी कहंदे कहंदे थोड़ी माला च तां बहुत ताकत है, कहंदे ऐ करो हुण तां मैं बच गया, ये माला मैनूं पक्की दे सकदे हो, कहंदे। बाबा अदली जी कहंदे की करेंगा, कहंदा कम तां मेरा चोरी दा ही है, चोरी कर लिया करूं, जो फस जा करूं उदो माला फेरन लग जा करूं, कहना। बाबा अदली जी कहंदे ऐ नहीं गल बनती, ये माला साडे ही आखे लगती है, कहंदे असल विच माला दी ताकत नहीं, ये माला करके जेड़ा नाम जपया ताकत ओदी है, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कहंदा जी कीदा? बाबा अदली जी कहंदे गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव जपया सी ना, जे तू चाहना मैं बचा फिर सदा वास्ते जप जा, सदा वास्ते बच जा, फिर चल तैनू गुरु अर्जन देव दे दर ते लेके चला। ये उन्हां दे नाम दी ताकत है। मैं बलिहारे सत गोरे अर्जन देव दे, मैं बलिहारे सत गोरे अर्जन देव दे, मैं बलिहारे सत गुर 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 अर्जन देव दे। संगते आपां भी अपने मन नूं समझाउणा है, ये गुरुआं दे नाम दी ताकत है। विधि चंद जी अपनी कथा आप सुणाउंदे सी, कहिंदे माता गंगा जी इस तरह करके मेरे नाल आ घटना घटी, मैं गया बच ते धन बाबा अदली जी जिन्हां दी कृपा नाल मज्जां दे रंग बदल गए, वह जदों मेरे नाल इह भाणा वापरिया तां करके मेरा गुरु वल हो गया मन, ते अज बाबा अदली जी मैनू लैके आया, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे शुक्र है जे सवेर दा भुलिया शाम नू घर मुड़ावे उन्हूं भुलिया नहीं कही, आजो जियाया नू हुण की चाहुंदे हो। फिर उत्थे बेनती कीती भी महाराज बुरे कर्मां तों मैनू सदा वास्ते ही बचा लो, कोई हुक्म करो जिदे नाल मेरा भला हो जाए, अगला जीवन सबर जावे। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे चंगा फिर ऐ कर, चोरियां माड़े कर्म कीते है तां ज्यादा, जेड़ी संगत दी चरण धूड़ है ये तेरे माड़े कर्मां नू धो दूगी, नाले तां वाहिगुरु जपिया कर, आ संगतां दे जोड़े साफ करन दी सेवा कर, ये वड्डी सेवा है गुरु। नीमियां रुखां नू फल कहिंदे ज्यादा लगदे, ते वैसे भी देख लो जेड़े रुख मिठे फल लग जांदे आ ना जदों ज्यादा, वो झुक के धरती नाल लग जांदे आ, निम्रता दा फल। कहिंदे जोड़ियां दी सेवा करिया कर, उत्थे फिर बचन मन के धन गुरु अर्जन देव दे आखे मुताबक नाले तां जोड़े संगत दे साफ करदा है, ते नाले वाहिगुरु दा सिमरन करदा है। एक दिन मन विच शरारत फेर आ गई गुरु,
वो कहिंदे आ ना वारिस शाह ना आदतां जांदियां ने भावे कट्टीए पोरियां पोरियां वो शरारत मन च फेर आ गई। कहिंदा गुरु अर्जन देव जी ने चोरी करन तो रोकया, हेरा फेरी करन तो नहीं रोकया। कहिंदा शरारत पता की कीती, संगत आई बहुत मत्था टेकण, संगतां ने जुत्ते लाते ते इन्हे बिधी चंद ने की कीता, एक जुत्ता चक्या करे ओ दूर धरिया आ करे, फिर दूजा जुत्ता चकना होर बंदे दा ओ दूर धरिया आना। ते जदों दीवान दी समाप्ति तो बाद संगत आई जोड़े पाउण, सारे जाने एक एक पैर च जोड़ा पाई फिर लगे। गुरु अर्जन देव कहिंदे भाई की गल, एक एक पैर च जुत्ता एक किधर गया? कहिंदे जी पता नहीं कोई कौन चक्के लै गया, सारिया का एक एक जोड़ा ही मिले है। गुरु अर्जन देव महाराज नाले तो हस पे, नाले फिर कहिंदे विधी चंद की कीता, ये मैनू तेरी शरारत लगती है। कहिंदा हाँ जी, हुण रोज वाहगुरु वाहगुरु कौन जपे, कदे तो जी करदा ही है ना, जिहड़े कर्म करदे रहीए। नाले तुसीं मैनूं चोरी करन तो रोकिया सी, हेरा फेरी करन तो नहीं रोकिया, अज मेरा जी कीता मैं कर ली, एक एक जोड़ा चक के ओ परे धरिया पिया। फिर गुरु साहब कहिंदे भाई संगते ओ परे पए आ सियाण के, आपदे आपदे जोड़े पा लो। ते नाले तां विधी चंद नूं फड़ के गलवकड़ी च लै लिया। नाले कहिंदे विधी चंदा अज तो बाद हेरा फेरी भी छड़ दे, आखो सतनाम वाहेगुरु। उदों बाद गुरमुख प्यारिओ बहादुर बाबा विधी चंद जी किवें बने, बहुत गुरु घर की सेवा की, छेवें पातशाह वेले बहुत सेवा निभाई गुरु, ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज वेले हुण समा नहीं अपने कोले, क्योंकि होर भी महापुरख आए हैं, उन्होंने विचार करनी है। जिन्ना समा मैनू प्रबंधकां ने दिता सी वह समाप्त, मैं आप जी तो माफ़ी मंगदा, पर सुन लो बचन गुरु की संगत का, गुरमुखां की संगत का फल। देखो जेड़ा किसी समय चोर सी, लुट्टा खोहा करदा, डाके मारदा, इथों तक पहुंचिया, छेवें पातशाह ने उन्हूं फड़ के छाती ना लाया सी, नाले बचन कीता सी विधि चंद छीना गुरु का सी। कहिंदे तू गुरु का हिरदा बन चुके हैं, कदे दुशाले लियांदे, कदे घोड़े लियांदे, बहुत खेडां खेडियां, ते उन्हूं अज कहिंदे आ बहादुर बाबा विधि चंद जी। देखो सुरसिंह वाले किड्डा वड्डा स्थान है गुरमुख। सो इदां दी जिंदगी बनाईए, जिंदगी च भुल्लां चुक्कां हरेक तो होंदियां, चंगे माड़े कर्म हो जांदे है, पर गुरु दर ते आके गुरमुखां दी संगत करके बाबा विधि चंद वांगू चंगे गुरमुख बनना गुरमुख, फिर है फायदा। ते जिवें शुरू च बेनती कीती सी, जे अपने मन दी मर्जी करनी है फिर संगत करन दा कोई फायदा नहीं, ते संगत भी सतगुर दी करिए, जो गुरु साहब कहिंदे ने ओ बचन आपां कमाईए, ते जरूर भला हुंदा। लो इन्नी की बेनती प्रवान कर लियो, सारी ही संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद, सच्चे पातशाह रहमत करन, तुहाडा साडा इत्थे आउणा सफल हो जावे। गुरु महाराज दे दर ते जिन्हें भी बैठे हो माई भाई, तुहाडा सब दा धन्नवाद जी आया नूं, सतगुर कृपा करन सब दे घरां च गुरसिखी आवे, नाम दान दे भंडारे भरे रहन, बच्चियां नूं विद्या दा दान महाराज बख्शिश करन। इन्नी की बेनती प्रवान कर लियो, सच्चे पातशाह दे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद विच आपां सजे होए आ, मालक सब दी सेवा लेखे लावे, सारी संगत दा धन्नवाद। सो मेरे वल्लों होईआं भुल्लां चुक्कां दी खिमा, आओ हुण अगला प्रोग्राम बाबा जी कोलों आपां सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।